एक भले आदमी का निधन हो गया। लोग अर्थी लेकर जाने को तैयार हुए। जब उठकर शमशान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक कोना पकड़ लिया और बोला, मरने वाले ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, पहले मुझे पैसे दो फिर अर्थी को जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बड़े बेटे ने कहा, पापा ने हमें तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि वह कर्जदार हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। मृतिक के भाई ने कहा, जब भैया के बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दे। अब सारे खड़े हैं, उसने अर्थी पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक जा पहुंची। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन सारा जेवर उतारा, अपनी सारी नकदी जमा करके उस आदमी को भिजवा दी और कहा, भगवान के लिए रकम और जेवर बेच के पापा द्वारा ली गई कर्ज की अदायगी कर लो और बाकी भी बचा हुआ कर्जा वापस कर दूंगी। मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको, मैं मरने से पहले पापा का सारा कर्जा अदा कर दूंगी। और वह अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 5 लाख कर्जा लिया था जो सूद सहित उन्हें वापस करना था। इसके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था तो मैंने ये नाटक किया। अब मुझे पता है कि इसका असली वारिस कोई बेटा भाई नहीं, इनका असली वारिस इनकी बेटी है। कर्जदार घर आया, बेटी को 5 लाख रुपए दिए और सूद भी वापस कर दिया और जाने लगा, पर जाते जाते वह एक बात कहकर गया, बेटियों को पराया कभी मत समझो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहते हैं।